उत्तर प्रदेश में बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पर, वो तो ठीक है। झोपड़ी, गरीबों की झोपड़ी या किसी गरीब लोगों पर जो बुलडोजर चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। माफियाओं पर चले तो अच्छी बात है। देखिए, जो ये बुलडोजर का सेगमेंट चल रहा है, और इससे तो अगर जहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि अगर कहीं पे एक्चुअल इंक्रोचमेंट है तो वास्तविकता में बुलडोजर चलना चाहिए। भाई, अगर आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, जगह घेरी हुई है, सरकारी जगह दबाई हुई है, तो बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। और ये तो बनाते वक्त सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो रहा है अगर बुलडोजर किसी इंक्रोचमेंट में चल रहा है। और अगर किसी राजनीतिक द्वेष भावना में चल रहा है कि भाई राजनीति की वजह से अगर चलाया जा रहा है तो बुलडोजर चलाना बिल्कुल भी गलत है। हमारे उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक कर्तव्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ संत परम आदरणीय योगी जी बैठे हुए हैं, और वो जो निर्णय लेते हैं वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही लेते हैं, जिसका जनता तहे दिल से स्वागत कर रही है। और उनका ये कदम सराहनीय है, क्योंकि लोगों ने, माफियाओं ने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं जिनकी तूती बोलती थी, और जनमानस की तो कोई औकात नहीं है इनके से टकराने की। मगर योगी बाबा जो कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक न्यायप्रिय शासन की स्थापना कर रहे हैं, सराहनीय कार्य। नहीं, माफियाओं के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो बाबा जो निर्णय ले रहे हैं सही ले रहे हैं। माफियाओं ने जो गरीबों को परेशान करके जो अवैध जो संपत्ति अर्जित कर ली है, तो अगर बाबा उनसे खाली करा रहे हैं तो वो अच्छा कदम है। बुलडोजर आजकल चल रहे हैं, मेरा मानना बुलडोजर चलने चाहिए, लेकिन वो बुलडोजर चलना चाहिए बेरोजगारी पे। क्या बेरोजगारी पे बुलडोजर नहीं चलेगा? आज आप देख रहे हैं भुखमरी देश में बढ़ी हुई है, तो उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। आप देखिए चारों तरफ महंगाई है, तो महंगाई पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर उस दिशा में चलना चाहिए। आज के डेट में हमने देखा दिल्ली पे बुलडोजर चले, उसमें मेरा एक दोस्त गुप्ता भी है जिसके मकान पे बुलडोजर चला, जब वो सन 1970 से वहाँ पे है, उसका डॉक्यूमेंट है। तो क्या आप अब उसको अपनी बात रखने का अवसर देंगे या नहीं देंगे? क्या हमारे यहाँ अदालतें बंद हो गई हैं? अगर वो उसके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको मौका दीजिए कि अदालत में वो जाके अपनी बात रख सके। और अगर अदालत ने इस वर्तमान समय में स्टे दिया तो उस स्टे का पालन होना चाहिए। और ये वर्तमान सरकार उस स्टे का पालन क्यों नहीं कर रही है? कंडम ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लग रहा है उन पर? ये जो बुलडोजर चल रहे हैं ये टोटल जो है संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। संविधान में ऐसा नहीं कहीं लिखा गया है कि कोई भी अपराधी हो या कोई वारदात किया हो उसके खिलाफ उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और जो है उसको सज़ा दिया जा सकता है। जो भी सज़ा उसको जो है संविधान के अनुसार मिलता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो है ये बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है फिलहाल। देखिए भैया, बुलडोजर बाबा जो है, जो कार्रवाई देश में हो रही है ये बहुत ही निंदनीय और चिंताजनक है। हमारे देश के संविधान में जो व्यवस्था है देश चलाने के लिए, उसमें सारे वर्ग और सारे समस्याओं का हल है। हमको हमारा ये मानना ये है कि कोर्ट इसका संज्ञान ले और बिना किसी जो है आरोप के बुलडोजर चलाने पे रोक लगाए, सरकार को रोके और सख्त निर्देश दे सरकार को इसको तुरंत रोकने का। ये जो उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जा रहा है, ये आज से 10 साल पहले भी यही चीज़ होनी चाहिए थी जो अब हो रही है हमारी इन सरकारों में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था। क्योंकि बुलडोजर आदमी को आर्थिक स्थिति से भी ख़राब कर देता है, जब उनके जो उन्होंने अवैध तरीके से पैसा कमाया होता है, जब आदमी फाइनेंशियली टूट जाता है तो वो पहले गुनाह करता था, जेल जाता था, जमानत में बाहर आ जाता था। अब आदमी गुनाह करके अगर जेल जाएगा तो उसको ये डर होगा कि मैं जेल जाऊंगा तो मेरा घर भी ध्वस्त हो जाएगा। उसमें सबसे पहले उन्होंने जो नया फार्मूला निकाला है वो अपराधियों पर लगाम लगाने के पूरी बढ़िया तैयारी चल रही है, और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है अपराधियों पर अच्छा सिकंजा कस चुका है और कई अपराधी दिल में भी घुस चुके हैं। इसको लेकर बाबा का नाम बुलडोजर बाबा कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से जो अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है या उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसमें देखा अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि इसका नाम का इस्तेमाल करके कुछ गरीबों के भी घर उजाड़े जा रहे हैं या उनकी संपत्ति तोड़ी जा रही है। देखिए, इसमें ऐसा है, माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने
अब ये कहा है कि गरीब की रेखा पे किसी भी मतलब बोले तो नाजायज के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर हम बात करें तो उनको बुलडोजर बाबा के नाम से इसलिए और भी जाना जाता है, जो पहले के अपराधी थे और जो अपराध करते थे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा होती थी। तो अपराधी जो भी थे उनको ये लगता था कि हम जो है क्राइम करते रहेंगे और उससे ज़्यादा ज़्यादा पुलिस हमें क्या करेगी, हमें जेल में डाल देगी। अब जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्य योगी नाथ जी की सरकार बनी है, तब से मुख्यमंत्री जी ने जितने भी अपराधी हैं जो जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज हैं तो उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करना और उनकी संपत्ति को बिल्डोजर उस पर चलवाना, तो उससे क्या है जितने भी अपराधी हैं उनके मानसिक में एक बात तो कम से कम आ ही जाएगी कि अब ये सरकार पहले जैसी सरकार नहीं है, हम अगर अपराध करेंगे इससे हमारी संपत्ति कुर्क हो सकती है और उस पर बिल्डोजर चल सकता है।